सो एज यू ऑल नो जिम्स खुल गए हैं, सब नहीं बट मेनी हैव ओपन्ड, लेकिन कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट वी शुड ऑल टेक द रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस। जो भी हमें नेसेसरी है वो सब प्रिकॉशंस हमें लेनी ही चाहिए। जब बात आती है जिम जाने की, तभी जो मैं आपको दिखाऊंगा आज वीडियो में पूरे, यू शुड हैव ऑल दोज थिंग्स इन योर बैग एवरी सिंगल टाइम यू गो टू द जिम। क्योंकि डजेंट मैटर इफ यू आर अ बिगिनर, और डजेंट मैटर अगर आप एक एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हो, डजेंट मैटर इफ यू ओल्ड और यंग, यू हैव टू हैव दीज थिंग्स इन योर बैग, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ें। अनदर थिंग, दीज थिंग्स जो अभी दिखाऊंगा आपको मैं, व्हेन यू कैरी दोज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि कोविड आपको होगा ही नहीं, दीज थिंग्स वॉन्ट प्रिवेंट कोविड फ्रॉम हैपनिंग टू यू, बट दीज आर द रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस जो आपको लेनी ही चाहिए, विच विल हेल्प यू। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द COVID-19 जिम सर्वाइवल किट। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कैरी विथ यू एट ऑल टाइम्स इज ऑब्वियसली द मास्क, इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई डोंट थिंक एनी जिम वुड अलाउ यू टू एंटर विदाउट अ मास्क। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि मास्क पहन के वर्कआउट करने के टाइम यू फील ब्रेथलेसनेस, या आपको होती है प्रॉब्लम ब्रीदिंग में, या आपको होती है थोड़ी घुटन सी फीलिंग, बट ये सब का भी इलाज है। सो द थिंग इज, जब आप सेट कर रहे हो, वेयर योर मास्क इजी, कीप योर नोज ओपन सो यू कैन ब्रीद, कीप योर माउथ क्लोज्ड, सेट करो, खत्म करो सेट, देन अगेन आफ्टर योर सेट इज डन पुट इट अप, वेयर प्रॉपरली, ब्रीद, रिकवर, नेक्स्ट सेट नीचे रखो, ब्रीद थ्रू योर नोज ड्यूरिंग द सेट, सेट करो, खत्म हो जाएगा, टेक इट अप, पुट इट नॉर्मली, रिकवर। सो ये करने से यू वॉन्ट इवन बी रिमूविंग योर मास्क, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट फील ब्रेथलेसनेस, यू वॉन्ट फील ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका नोज विल बी ओपन फॉर यू टू ब्रीथ प्रॉपरली। सेकेंड थिंग दैट यू शुड हैव इन योर जिम बैग एट ऑल टाइम्स जब यू जिम जा रहे हो आर दीज ग्लव्स, एंड आई थिंक दीज आर द नॉर्मल यूज एंड थ्रो वाले ग्लव्स, एंड ये मैंने लिए हैं फॉर 20 rupees, सो आई थिंक एनी केमिस्ट शॉप में आपको मिल जाएंगे 20 rupees के लिए। यूज दीज ग्लव्स वेन यू आर वर्किंग आउट, वेन यू आर टचिंग एनी वेट, वेन यू आर टचिंग एनी इक्विपमेंट, और जब आप कोई भी मशीन को टच कर रहे हो, यूज दीज ग्लव्स। मैंने ये भी लिया है, ये डब्बा है पूरा, आई थिंक ये डब्बा है 600 का, एंड इट हैज 50 ग्लव्स इन इट, सो 100 pieces, एंड दिस विल लास्ट यू फॉर अबाउट 1-1.5 महीना चलेगा आपके लिए। इफ यू स्टिल फील कि नहीं भाई ये डब्बा क्यों लेना है 600 rupees का, नहीं पड़ेगा मेरे को, अंडरस्टैंड, कोविड के टेस्ट के स्टार्टिंग का रेंज है 2,500 rupees, एंड अगर आप निकले पॉजिटिव, ओ भाई खत्म, तो आपका खर्चा होगा लाखों में, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल ऑल्सो। सो एज माई ग्रैंडफादर ऑलवेज सेज, इफ यू फील फिटनेस इज एक्सपेंसिव, ट्राई इलनेस, सो प्लीज यूज दीज ग्लव्स, आपके लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत सेफ है, एंड स्टार्टिंग में यू फील बिट वियर्ड यूजिंग दीज ग्लव्स व्हाइल वर्किंग आउट, बट स्लोली यू विल गेट यूज्ड टू इट, डोंट वरी। ओके, सो ये गलती मेरे से हुई थी और मैं ये देख के बहुत खुश हो गया था कि आई सॉ 100, एंड मेरे को लगा कि 100 pairs है, मेरे को लगा 200 ग्लव्स होंगे, बट देन आई रियलाइज कि 100 मतलब 100 pieces है, और विच मीन्स 50 pairs है। अच्छा, आपको पहले से पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। द थर्ड आइटम इन योर जिम बैग शुड बी ऑब्वियसली द सैनिटाइजर, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपके बैग में सैनिटाइजर तो होना ही चाहिए। सो आपके वर्कआउट होने के बाद ग्लव्स को फेंक दो, सैनिटाइजर यूज करो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, ऑलवेज कीप दिस विथ यू एट ऑल टाइम्स, जब भी आप नॉर्मल लाइफ में, जिम के बाहर भी, जिम के अंदर भी, कीप दिस विथ यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो आपके जिम बैग में होनी ही चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट आज के वीडियो के स्पॉन्सर। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू कि आई विल नेवर प्रमोट एनी थिंग, एंड आई प्रॉमिस यू दिस, आई विल नेवर प्रमोट एनी थिंग दैट विल नॉट हेल्प यू ग्रो इन लाइफ, दैट नॉट हेल्प यू टू एक्चुअली इम्प्रूव इन योर लाइफ, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पैसों के लिए कुछ प्रमोट करेगा कुछ फुकट का। द थिंग आई प्रमोट टूडे एंड इन द फ्यूचर विल एक्चुअली हेल्प यू, सो डोंट स्किप दिस पार्ट, ये पार्ट स्किप मत करो प्लीज, एक्चुअली वॉच इट, दिस माइट हेल्प यू और माइट एक्चुअली हेल्प समवन यू नो, सो प्लीज वॉच इट। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर है कैमली। कैमली इज द ओनली ऐप इन इंडिया दैट विल प्रोवाइड यू विद प्राइवेट इंग्लिश क्लासेज, वन ऑन वन इंग्लिश क्लासेज विद ट्यूटर्स फ्रॉम द USA, द UK, कैनेडा एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दिस ऐप मेनली इज फॉर पीपल हु नो हाउ टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, बट जिनको बोलने में तकलीफ होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन वॉट योर मेन गोल इज, वेदर इट्स
personal development or business English. You can choose from a variety of courses. And the best thing about Cambly is the tutors at Cambly are extremely friendly and they will help you with whatever you want, whatever you need, without any judgment. So you can choose from thousands of tutors by viewing their profile. The classes can be done at any time, 24/7. So you can use my code AT25 to actually get 25% off on any of the 3-month courses. What are you waiting for? Agla item jo aapke gym bag mein hona hi chahiye whenever you go to the gym is napkin. And I say use 2 napkins, and there's a reason why I say that. मैंने ये जिम में बहुत लोग करते हुए देखा है. समझो कि ये टेबल, ये बेंच है, नैपकिन. यू यूज द बेंच आफ्टर योर वर्कआउट, यू क्लीन द बेंच विद द नैपकिन, यू टायर्ड, वही नैपकिन से आप मुंह पोंछते हो. डोंट एवर डू दैट. डोंट एवर यूज द सेम नैपकिन टू वाइप द इक्विपमेंट, टू वाइप द बेंच. और वही नैपकिन आपके मुंह पे, आपके कहीं भी स्किन पे मत यूज करो, एस्पेशली ड्यूरिंग कोविड. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कैरी 2 नैपकिन्स, ऑलवेज यूज 2 नैपकिन्स. 4 हो गया. 2 नैपकिन्स इन द जिम, 1 फॉर योर पर्सनल यूज, आपके खुद के यूज के लिए, एंड सेकेंड नैपकिन बेंच पहुँचने के लिए, एनी इक्विपमेंट को साफ करने के लिए. इट टेक्स 1 सेकेंड. डोंट यूज द सेम थिंग. डोंट यूज 1 नैपकिन फॉर बोथ बेंच एंड योर फेस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. डोंट डू इट. नेक्स्ट आइटम दैट यू शुड हैव इन योर जिम बैग इज ऑब्वियसली द वाटर बॉटल. एंड आई थिंक यू ऑल नो किसके लिए यूज करते हैं वाटर बॉटल. जिम में फुल ऑन मेहनत करने के बाद, पूरा जी तोड़ मेहनत करने के बाद, घर पर जाके पिज्जा पास्ता बर्गर खाने के बाद, जंक फूड खाने के बाद, मेहनत पे पानी करने के लिए यूज करते हैं वाटर बॉटल. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. नहीं यार, it's a joke. I'm just kidding. Relax. नहीं, सीरियसली, ऑलवेज कीप अ वाटर बॉटल विथ यू, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है. एंड इन द जिम ऑल्सो कीप सिपिंग ऑन वाटर. एंड पीपल कीप आस्किंग मी कितना पानी पीना चाहिए जिम में वर्कआउट करने के टाइम. एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज ड्रिंक अकॉर्डिंग टू वॉट योर रिक्वायरमेंट इज. देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर. देयर इज नो इतना ही पानी पीना चाहिए. जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना पीते रहो. आई ड्रिंक आई थिंक 1 लीटर व्हेन आई एम इन द जिम, एंड दैट्स माय रिक्वायरमेंट. ऑलवेज ड्रिंक अकॉर्डिंग टू व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज. At the same time, पूरा पानी मत गटक जाओ. Always keep sipping on it throughout your workout. आराम से पीते रहो. The next item that you should have in your gym bag, you should carry at all times is, and ये कितना important है, I can't tell you, even before COVID कितना important ये था. Shoes, a separate pair of shoes. And I can't tell you कितना important है. Don't wear the same shoes in the gym what you wear outside. बाहर के शूज जिम में मत पहनो. हैव अ सेपरेट पेयर ऑफ शूज. चलेगा इफ इट्स सस्ता, चलेगा इफ इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. डजंट मैटर इफ इट्स नाइकी, एडिडास, डजंट मैटर द ब्रांड. ऑलवेज हैव अ सेपरेट पेयर ऑफ शूज. जिम के लिए अलग, बाहर के लिए अलग. डोंट कंबाइन द टू एवर. ये पॉइंट कोविड के पहले भी इंपॉर्टेंट था और अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डोंट एवर वेयर द सेम शूज इन द जिम व्हाट यू वेयर आउटसाइड, प्लीज. Also another thing you should keep in mind, and this is not in the list because आपको ये carry नहीं करनी है, ये आपके gym में होनी ही चाहिए. This is a disinfecting spray. This is a disinfecting spray, and so before you use any equipment, before you use any machine, उस पर पहले ये spray करो, बराबर से machine या equipment साफ करो, and then use it, please. And now for the final and the most important थिंग जो आपके पास होनी चाहिए जब आप जिम जा रहे हो इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप वर्कआउट करते हो विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका इम्प्रूवमेंट और आपका वर्कआउट दोनों विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. प्लीज दिल लगा के और मन लगा के वर्कआउट करो. ऑल्सो फाइनल थिंग, आई डोंट थिंक आपको ये बोलना पड़ता है, बट ऐसी बोल देता हूँ, अ बैग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज ऑलवेज कैरी अ बैग, क्योंकि ये सब जो है वो आपके जेब में तो होने नहीं वाला फिट. सो यस, बैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज अ वेरी एसेंशियल थिंग, कैरी करो. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई रियली होप आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प होगी, एंड आई मेनली होप कि आपको सब समझ गए होंगे आप लोग क्या आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है. दो टॉवल मेनली, एक नहीं, सेम नैपकिन यूज मत करो मुंह के लिए, बेंच के लिए, प्लीज. एंड आई मेनली होप कि आप सब आपके जिम में वर्कआउट जब करोगे तो आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी मेंटली और फिजिकली, एंड आप ये सब यूज़ करोगे. प्लीज़ करो, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट टेक कोविड फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट लाइटली, टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस प्लीज, एंड स्टे सेफ. ओके,
So before I end the video, let's have a little chat with ek professor Kamli ke. So even you can understand ki Kamli actually karta kya hai, kaise help karega aapko. Let's go. Kamli, you know, it's just about practicing your English, finding people to speak English with more regularly. A lot of students, you know, they don't have friends, they don't have family who speak English, or they come from a country that doesn't speak English and they want to learn. So they come to Cambly to have an easy way to find people to practice English. You know what the rest goes. Stay fit, stay healthy. You got this.